हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी कई अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अभी तक शादी नहीं की है, और उन्हीं में से एक अभिनेत्री है नगमा, जो अब तक कुंवारी है। पर बेशक ये अभिनेत्री प्यार पाने में असफल रही हो, मगर इन्होंने अपने प्रोफेशनल करियर से सफलता खूब हासिल की है। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों से खूब प्रशंसा हासिल की और अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत करने के बाद फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। लेकिन दोस्तों, आज भी सिंगल लाइफ जीने वाली अभिनेत्री नगमा की फर्श से अर्श तक की कहानी से तो आप सभी वाकिफ होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि आज ये उसी अर्श से फर्श पर आ पहुंची है जिसके बारे में बेहद ही कम लोग जानते हैं। इसलिए आज हम आपको नगमा की अर्श से फर्श तक की कहानी बताने वाले हैं, मगर उससे पहले आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बॉलीवुड में आज भी सिंगल लाइफ जीने वाली अभिनेत्री नगमा का जन्म 25 दिसंबर 1974 को मुंबई में हुआ था, जिसके चलते इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई वहीं से पूरी की। बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो आपको बता दें कि इन्होंने अपने करियर की शुरुआत सलमान खान के साथ फिल्म बागी से की थी, जो उस दौरान बहुत ही ज्यादा हिट हुई थी, जिसके बाद इन्होंने करिश्मा कपूर संग 1994 के सुहाग में काम किया था, जिसके बाद ये पुलिस और मुजरिम, किंग अंकल और हस्ती जैसे फिल्मों में नजर आए। उसके बाद इन्होंने इस आरंभिक सफलता के बावजूद अपनी सहेली दिव्य भारती के कहने पर तेलुगु और तमिल फिल्मों में काम करने के लिए साउथ भारत चले गए, और 1990 के दशक का सारा समय कम से कम 1997 तक चोटी पर बनी रही। पर जब ये हिंदी सिनेमा से दूर हुई तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलैरिटी घटती चली गई और धीरे धीरे दर्शक इन्हें भूल गए। पर फिर इन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी हासिल करने के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री का रुख कर लिया, जहाँ जाने के बाद तो इनके करियर पर इस तरह से ग्रहण लगा कि हिंदी सिनेमा में इनका जो कुछ भी नाम था वो सब खत्म हो गया। भोजपुरी सिनेमा में इन्होंने कई फिल्में की और सफलता भी हासिल की, पर अपने इसी लंबे चौड़े करियर के दौरान इनका नाम कई अभिनेताओं और आम लोगों से भी जुड़ा, जिनमें रवि किशन से लेकर सौरव गांगुली और आर सर्थ कुमार तक शामिल है, जिनके साथ इनके लिंकअप की खबरें आई थी, और अपने इन्हीं लव अफेयर्स की वजह से ये काफी बदनाम भी हुई, जिसके बाद इन्हें हिंदी सिनेमा में फिल्में मिलना काफी कम हो गया और धीरे धीरे इनका करियर डूबता चला गया। इस तरह इन्होंने जितनी भी मेहनत की, अपने आप को इंडस्ट्री में एक ऊंचे मुकाम पर पहुँचाया था, वो सब खराब हो गया और इनका करियर और इनकी शोहरत दोनों ही आज काफी हद तक मिट्टी में मिल चुकी है। तभी तो अपनी जिंदगी में इतने सारे अफेयर्स होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी संवारने वाला कोई नहीं मिला, मिली तो सिर्फ बदनामी, जिसके बदौलत आज ये सिंगल हैं और अर्श से फर्श पर पहुंच चुकी हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है नगमा के अर्श से फर्श पर आने के पीछे की वजह क्या रही है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और साथ ही ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।